गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानती हो कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और स्कूल जो है क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आने वाले हैं। फिर से नई क्लासेस जो है, नया सेशन जो है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन के फूल। फ्लावरिंग हो चुकी है, कितने प्यारे फूल को, कितना प्यारा कलर आया। बीच में डार्क कलर और साइड में पेटल्स में जो है लाइट कलर, बड़ा मन को मोह लेता है। देखो कितने प्यारे प्यारे पर्पल कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। फूलों का जो है मौसम आ चुका है ना, तो सब जगह फूल ही फूल हैं। इनको इनके नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे बगीचे में ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। फूल तो वैसे भी घर में अगर लगे हों तो मन ऐसे खिल जाता है, जितनी टेंशन होती है ना वो सब मिट जाती है फूलों को देख के, उनके कलर को देख के हमारा जो मन है शांत हो जाता है। देखो कितने प्यारे कितने फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हो। देखो कितना प्यारा कलर आया इसका, कैसे खिले हुए हैं। और नेचर देखो कैसे इनमें कलर फिल कर देती है ना। देखो ये पिंक कलर का फ्लावर है, किसी को इसका नाम पता हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। प्लीज इंजॉय करें। ये येलो कलर का फ्लावर है, देखो कितना प्यारा लग रहा है और पत्तियों से कैसे निकल के बाहर आया हुआ है, छुपा हुआ है बिल्कुल, देखो छुपा हुआ है। और बड़ी मुश्किल से इसको कवर किया मैंने, ये बोगनविलिया है इसका मुझे पता है। कितना प्यारा फ्लावर है, देखो कैसे एकदम पत्तियों में फस फस के निकले हुए हैं इसके जो फूल होते हैं। देखो बिल्कुल गुंदमा जैसे बोलते हैं ना, गुंदमा ऐसे पत्तियां गुंदमी हैं। और मैं आपको बताऊंगी आज पीकॉक की फैमिली के बारे में, जो हमारे घर में अक्सर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं और कैप्चर करने जाती हूँ तो फट से भाग जाते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। तो आज जो है ये अपनी फुल फैमिली के साथ हमारे घर में आए हुए हैं, वो आपको दूर दिख रहा होगा पीकॉक पेड़ के पीछे। दो तीन बच्चे भी हैं इनके साथ में, पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं। वो देखो हिल रहा है, अभी आपको दिखा होगा, ये देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे ना, ये शांत वातावरण है वहाँ पे ना। मेरे स्कूल की बैक साइड में है ये यार्ड, आप एंजॉय करो वीडियो का।
मोर खूब इंजॉय कर रहा है, देखो। हमारा जो घर है गांव से 20-25 फीट की ऊंचाई पे है और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे, और मोर जो है अक्सर हमारे घर में पाए जाते हैं, दिखे जाते हैं। और देखो स्कूल की छत के ऊपर चढ़ गया अब तो ये, वहाँ पे इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। भाई नीचे उतर जा, छत टूट जाएगी, बड़ी पुरानी छत है ये मेरी, नीचे उतर जा भाई। देखो मान भी नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है नीचे, देखते हैं कब तक बैठा रहता है वहाँ पे। उतर जा भाई उतर जा। एक बार आराम से बैठा हुआ है वहाँ पे, हटाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। चलो ये अब नीचे उतरा है, चलो शुक्र है नीचे उतरा। और ये देखो दिख रहा होगा पीछे, ये अपना चला गया। चलो चलते हैं अब, पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी बनाने के लिए मैं धनिया ले रही हूँ। और ये मौसम ऐसा है कि आप ना ज़्यादा सब्जियाँ खा सकते हो और ना ही ज़्यादा जो है आप दालें खा सकते हो। चटनी का मौसम आ चुका है तो हम बनाते हैं चटनी पुदीने की और धनिया की। धनिया मेरी यार्ड में लगा हुआ है तो मैं वहीं से ले रही हूँ, अपने किचन गार्डन में से। देखो एक हाथ से तोड़ रही हूँ फटाफट से, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं, इसमें इतने गुण हैं कि आपको स्वस्थ रखता है, आपके लीवर को स्वस्थ रखता है जो चटनी होती है उसकी, पुदीने और धनिया की। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए पेट की तो आप धनिया पुदीने की चटनी खा सकते हो, उससे आपको आराम मिल सकता है। देखो पुदीना लगाया हुआ है मैंने घर में, इसी में से मैं 3-4 पत्तियाँ ले लूँगी पुदीने की और बनाऊंगी धनिया की पुदीने की चटनी। अगर आपने चटनी की रेसिपी लेनी है तो कमेंट जोन में ज़रूर बताना, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पुदीने धनिया की चटनी लेकर आऊंगी। रामतोरी के छोटे-छोटे पौधे निकले हैं देखो, तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड में जाते जाते मेरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दें मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।